मम्मी मैं ये रोज रोज भारी भारी कपड़े पहन के थक गई हूँ। तो प्यारी लग रही हो। और बात सुनो, तुम्हारी शादी को माशाल्लाह भी दिन ही कितने हुए हैं, और मैंने वैसे भी हल्के जोड़े बनवाए थे तुम्हारे लिए। मुझसे पूछो, हमारे ज़माने में यकीन करो कुरतुलैन, इतने भारी भारी जोड़े होते थे, हमारी सास हमें पहनाती थी और हमें पहनने पड़ते थे महीनों। सज्जाद के ख़ानदान की रिवायात हैं कुछ, हमें फॉलो तो करनी है। अब बात रिवायात की छिड़ी है तो मैं एक बात तुम्हें बताती चलूँ, गिरा से बांध लेना। बेटे, क्या बात पप्पो? हमारे घर में किसी को झूठ बोलने की आदत नहीं है, और खास तौर पे मेरे बच्चों को छुपा छुपा के बातें करने की तो बिल्कुल भी आदत नहीं। मुझसे तो कुछ भी नहीं छुपाते। खैर, इस वक्त मैं वो सामान की बात दोहराना नहीं चाह रही, छोड़ो जाने दो। लेकिन बस एक बात तुम्हें बता दूं, तुम तो वैसे भी मेरी भतीजी हो, मेरा खून हो, तुम्हें तो सब इल्म है। ये झूठ, फरेब, साजिश, इन सब चीजों से ना दूर ही रहना बिल्कुल। खासतौर पर रोहिल को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, है ना? मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी पप्पो। हाँ, इंशाल्लाह, क्यों नहीं क्यों नहीं। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैन कहाँ है? आपने भेजा था उसे? नहीं, मैं क्यों भेजूंगी, खुद ही गया था तुम्हें लेने। उसे कोई काम था और आइंदा प्लीज उसे मत भेजिएगा। वैसे भी जॉब से छुट्टी लेकर आते हैं। आई डोंट लाइक इट। मैंने तो भेजा ही नहीं, से क्या हुआ? हेलो, तो मेरा फोन क्यों उठा रही हो? तुमने क्यों कॉल किया जैन? पहली बार तो नहीं किया, और ना तुमने पहले मुझसे कभी ये बात पूछी थी। ओ प्लीज जैन, पहले जैसी कोई बात नहीं रही है, सब कुछ बदल गया है। तरीन, सब पहले जैसा ही है, तुम हकीकत नहीं मान रही हो। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही कि मैं इस लव ट्रायंगल का हिस्सा नहीं बनना चाहती? यू आर एंगेज्ड, और इसमें अगर तुम्हारी मर्जी शामिल है या नहीं, इट डजंट कंसर्न मी। लेकिन अगर तुम डिसेंट होगे ना, तो तुम ये निभाओगे। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। और मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि जैसा तुम चाहते हो मैं ऐसा नहीं करूंगी। शफक इज इन लव विद यू। मैं किसी का हक नहीं मार सकती। लेकिन मैं हूँ सेल्फिश, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ तहरीन, तुम्हें चाहता हूँ, शफक को नहीं। तो फिर शायद तुम ये भी चाहते हो कि हम दोस्त ना रहे। क्या तुम्हारे लिए सब इतना आसान है तहरीन? ये इतनी आराम से नहीं होगा जितनी आराम से तुम समझ रही हो। नहीं जैन, मेरे लिए ये आसान नहीं है, इनफैक्ट बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं शफक का हक नहीं मार सकती, और मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। इश्क जलावे, इश्क बुझावे आमिया, इश्क जलावे, इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा।